हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं मैट्रिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2019 तक के जो है सारे मॉडल पेपर को मैंने देखा और देखने के बाद जो है एक एक क्वेश्चन सारे मॉडल पेपर के जो कलेक्ट करके लेकर आया हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल हर बार पूछे जाते हैं, लगभग हर मैट्रिक एग्ज़ाम में। तो इस बार 2020 में अगर पूछ दे तो काफ़ी आसान होगी और आप आसानी से जो है क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस तरह के वीडियो यानी इसी तरह के जो है मेन क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूँगा। तो आज जो है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो आपके जो है ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसके जो भी सही हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर यानी ए नंबर, वाई बी ए शोषण में सबसे ज़्यादा शोषण में अधिक ऊर्जा निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग शायद। तो सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आप भी देख सकते हैं ए बी सी डी। तो क्या है, क्लोरोफिल है, सूर्य प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सोपोषी पोषण के लिए उपरोक्त सभी, यानी हर चीज़ को ज़रूरत होते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो देखिए क्या है, ए नंबर है कुटपाद, बी है परिवहन, सी है भोजन राजधानी, डी है केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटपाद द्वारा वो भोजन ग्रहण करता है अमीबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख जरूर रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है फोर्थ क्वेश्चन है, गृहिणी भाग है, तो गृहिणी किसका भाग है, हम लोग देख लेते हैं कि छोटी आंत का गृहिणी एक भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं। तो पांच नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल सीरियस से लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं आपको, बार बार मैं बोलता हूँ। अगर इस तरह के वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना, क्योंकि अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सके। तो चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी देख पा रहे होंगे क्या है, फेफड़ा, ट्रेकिया, कोशिका झिल्ली, गिल्स से। तो इसका राइट आंसर आप भी जानते होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा गिल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन है, रक्त लाल होता है, तो रक्त लाल जो हम लोग के शरीर में रक्त जो लाल होता है यानी खून लाल क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग ए बी सी डी के हिसाब से देखते हैं क्या है, थ्रोम्बिन है, बी है फाइब्रिन, उसके बाद है सी हेमोग्लोबिन, उसके बाद डी है नन। तो देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, यानी हेमोग्लोबिन के कारण हमारा खून लाल दिखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सात नंबर, मनुष्य में वृक्क तंत्र के एक भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क तंत्र जो है वृक्क किसका भाग है जो संबंधित किससे है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर को। तो ए है पोषण, सी है बी है शोषण, डी है उत्सर्जन, और सॉरी सी है उत्सर्जन, डी है परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर, यानी उत्सर्जन का ये भाग है और ये संबंधित है उत्सर्जन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आठ नंबर, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग भी देख पा रहे हैं क्या है, ए है केवल नीचे की ओर से, बी है केवल ऊपर की ओर से, सी है ए एंड बी दोनों, उसके बाद डी है नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर, यानी ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों नीचे आप लिखा हुआ है कि चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, जिस तरह से आप YouTube में देखते हैं तो आप वहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और उस तरह का बेल आइकन आएगा, एक बेल आइकन दबा करके ऑल दबा लीजिएगा ऑल, ताकि सारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो मैं अपलोड करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्किप करके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन है, पादप में
जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादप में जाइलम उत्तरदायी क्यों है? क्योंकि पादप जो है जिस तरह से हमारे शरीर में नस होती है, तो नस हमारे लिए क्या काम करता है, तो खून पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह खून पहुंचाता है और हमारे यानी सारे काम उसी से होती है। तो उसी तरह जाइलम पादप में जो पेड़ पौधे में है जाइलम होता है, तो जाइलम का क्या काम होगा अब आप लोग कर सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। ए है जल का वाहन, बी है भोजन का वाहन, सी अमीनो अम्ल का वाहन, डी है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर तो देख लेते हैं, राइट आंसर क्या है, ए नंबर यानी जल का वाहन करता है, ए नंबर जल का वाहन करता है पादप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के जो है गला, गला को ही ट्रेकिया, गला के अंदर जो है वो गोल 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 है, उसी के अंदर से जो खाना जाता है हम लोग का, तो उसी को हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। तो ट्रेकिया पाए जाते हैं, किस तरह के पाए जाते हैं, तो हम लोग इसका सही राइट आंसर को देखेंगे, ट्रेकिया में ट्रेकिया किस तरह से पाए जाते हैं। तो ए है उपस्थि के बने अपूर्ण विलय, बी है उपस्थि के बने पूर्ण विलय, सी है क्यूटिकल से बने पूर्ण विलय, डी है नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी उपस्थि के बने पूर्ण विलय पाए जाते हैं, यानी पूरा गोल विलय, पूरा गोल पाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़रूर करना, क्योंकि और अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। वीडियो चाहिए तो फिर मैं इसी तरह से मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, जो काफ़ी मेहनत लगता है यार इसमें। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ज़रूर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करने से उसको भी